गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आपका ध्यान खुद ही चला गया होगा मेरे फेस पे, क्योंकि जो घर वाले नहीं ध्यान देते हैं वो लोग आप नोटिस करते हो। तो मेरी आईज़ में जो है वो इन्फेक्शन हो रखा है काफ़ी बुरी तरह से, और काफ़ी दिन से, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ इस बीच। और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, जबकि मैं कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मतलब फेस पे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ भी यूज़ करो प्रोडक्ट, तो वो ब्रांडेड ही यूज़ करो। तो मैं ब्रांड के ही यूज़ करती हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है इस बीच, मेरी पहले इस साइज़ में फिर इस साइज़ में, मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और फिलहाल तो बज गए हैं 11:30 और मैं चल रही हूँ बेटू को लेने, जा रही हूँ उसको लेके आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि रूटीन क्या है, करवा चौथ की क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तबीयत ठीक नहीं थी इस बीच, वही कोल्ड वगैरह चल रहा था, सीजनल सब कुछ, बेटू को, मुझे, इनको, सबको ऐसे हो रखा था, तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। और आइज़ तो मेरी बहुत, आज तो तब भी ठीक है, मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ। तो गाइस चलते हैं, पहले बेटू को लेके आते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कि आज का क्या रूटीन है मेरा। तो चलते हैं पहले, तो चलते हैं, बैग ले लूँ पहले अपना, ये ज़रूरी है, चाबी। आ गए, आओ झूला झूलना है, आओ मुझे तो चलो। आ जाओ। तो गाइज इवनिंग का टाइम हो चुका था और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था और ये भी आ चुके थे, फ्रेश हो रहे थे, और मैंने सोचा क्यों ना इनके फ्रेश होने से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद मैंने इनका नाश्ता बना दिया था, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था और चाय वगैरह रख दी थी और ग्रीन चटनी बनाई थी, इनको काफ़ी पसंद है। ये भी अपना नाश्ता फिनिश कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी चाय, क्योंकि जुकाम है थोड़ा सा। बेटू पियोगे चाय थोड़ी सी? बेटू चाय नहीं पिएगा, और अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, पहले ये सब फिनिश करते हैं उसके बाद। येलो ठीक है, के कपड़े क्या है, रेड सोचा है, ये कुछ अलग ही सोचा है, रेड नहीं है तो रेड और ग्रीन है तो रेड ही लोगे ना, फिर जचेगा ना। जो येलो कलर के कुछ पहनते हैं ना उनके लिए येलो अच्छा लगता है, ऐसा होता है। वैसे येलो ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ कितने की है ये वाली? मार्केट के मजे, हाँ करवा चौथ से पहले, सही है सही है। ब्लर आ रही है। तो इनकी शॉपिंग कराई जा रही है करवा चौथ की, हाँ एक थाली को ढूंढ रहे हैं हम लोग कब से। बाकी ओवरऑल ये हमारी दिवाली की सजावट है, कायदे में तो नवरात्रों की सजावट है भाई जी, जो अब दिवाली तक चलेगी। आपको लगवानी है लगवा लो आज ही, क्यों कल टाइम नहीं मिलेगा, फिर मैं लेट आऊँगा, आज जल्दी आ गया तुक्के में, चलो फिर कल आके लगवा लेना। हाँ हाँ मॉल, मेरे बेटे को मॉल बहुत पसंद है, लेना सूट बूट। यहाँ पे मैं बार बार रेड सूट ढूंढ रही थी, थोड़ा हैवी में चाहिए था मुझे और मुझे मिल नहीं रहा था, और मुझे हैवी ही चाहिए था क्योंकि रेड मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं बार बार जो है मैं रेड ही ढूंढ रही हूँ। लेना है रेड ही चाहिए, मेरे पास सारे कलर वैसे हैं रेड।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपनी फाइनली थाली जो है वो पसंद कर ली थी। मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं पूरी मार्केट घूम लेती हूँ तभी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है। मैं सोचती हूँ नहीं पूरी मार्केट देख लो कहीं इससे अच्छा मिल जाए, तो यही चक्कर में मेरी बहुत लेट हो जाता है शॉपिंग करने में। तो फाइनली ले लिया मैंने। तो गाइज आ भी चुके हैं हम लोग मार्केट से, टाइम हो चुका है, कितना बज गए, 10। दिखाओ इस बार ना, ये बहुत बड़ा मिल गया मुझे, छोटा वाला मिला नहीं। अरे हाँ यार, घर में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये, वहाँ भी बड़ा ही लग रहा था मुझे, वहाँ नहीं लगा इतना। वहाँ क्या सारे इसी साइज के थे ना, चक्कर मुझे लगा कि सेम ही साइज। पिछली बार जो मैं लाई हूँ इतने इतने से थे, छोटे छोटे घर प्यार कर, और ये तो मेरे मुझे ना एक नज़र में पसंद आ गया। पूरी कृष्णनगर मार्केट में घूम ली उसके बाद मुझे ये पसंद आया और एक बार में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ये है शिवानी की थाली। ये भी देखो, इस बार वो बेवकूफी मत करना जो हर बार कर देती हो। पता है निकाल ही देना है, या तो निकालना नहीं, कुछ अलग तरीके से करो ना। किसी में नहीं रहता यार, जो दिया है ना, सुनो दिया, हाँ इधर मुंह करना है तो भी वो पकड़ लेता है, तो कुछ थोड़ा बहुत देख लो किसी भी तरीके से। निकालना तो बेकार है, सब लोग ऐसे करते हैं, सब निकले, सब जिसका रहता है निकला रहता है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, चिपका देना कल फेवी की क्लास पर। दिखाओ थाली, गाइस ये है थाली, और ये है मस्त डिजाइन, मतलब आजकल क्या फैशन चल गया है। चीज सिंपल है बट ये अपने लेस वगैरह ला के, वैसे घर में भी जिसको तैयार करना होता होगा इंसान कर देता होगा अपनी साड़ी की मैचिंग की हर चीज लाके, वेलवेट की सजाते ही है, सब अच्छा लगता है। इसको ऐसे ऐसे करके तो कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग भी बताना कैसा है। तो ये मेरा थर्ड है, तो मैंने इस बार लिया, मैंने पिछले साल नहीं लिया था, तो एक दो साल तो चलाना ही है, और ये अच्छा है। और हम लोग मिट्टी का ही लेते हैं, वो जो पीतल का आता है वो किसी ने नहीं खरीदा है तो मैंने भी नहीं खरीदा। तो बाकी ये था आज का, बाकी और जो मेरी शॉपिंग होगी मैं बताऊंगी। तो मैंने श्रृंगार का सामान वगैरह नहीं लिया है, मेन तो मैं आज यही लेने गई थी, वो आसपास में भी मिल जाता है तो मैं बाद में ले लूँगी, कल ले लूँगी, और कल मेहंदी वगैरह भी लगवाऊंगी। तो देखते हैं जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे मेरी मेहंदी लगेगी, नहीं तो नहीं, कोई नहीं, देखते हैं, वो देखते हैं कैसे मैं खुद से लगा लेती हूँ कि क्या करती हूँ। तो ये कैसा लगा आप लोग बताना। बाकी ना मेरा सेट भी आ गया है, चूड़ा भी आपका आ गया था, वापसी चूड़ा भी आ गया है, वो ना हम लोग बाहर थे इसलिए हमें मिला। ये मेरा सेट है पर इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी अभी, जब पहनूंगी तब आप लोग देखना। तो ये और चूड़ा भी है, मेरी साड़ी भी रेड कलर की है, तो वो सब जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बेटू बाय बाय।